अब खबरें विस्तार से। रेवाड़ी में पिछले दिनों हुए गैंगवार मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि इस गैंगवार में एक बदमाश की मौत हो गई थी, जबकि एक बदमाश अभी भी अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। 24 फरवरी की रात छोटा गैंग और आलू गैंग के बीच हुई गैंगवार मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। बता दें कि 24 फरवरी की रात छोटा गैंग के 2 बदमाश आलू गैंग के बदमाशों पर हमला करने गए थे, लेकिन छोटा गैंग के दोनों बदमाशों को आलू गैंग के बदमाशों ने दबोच लिया, जिनकी जमकर लाठी और लोहे की रॉड से पिटाई की गई, जहां एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरा अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। पुलिस ने हत्या और हत्या की वारदात में शामिल 3 बदमाशों को काबू कर लिया है, जिनके पास से एक देसी कट्टा बरामद किया गया। ये 25 तारीख के करीब 9:30 बजे की बात है। एक झूठा गैंग है, एक आलू गैंग है। तो झूठा गैंग के 2 आदमी पंजी उर्फ संजय व दूसरा देवेंद्र उर्फ सासला, ये दोनों बाइक पर आ रहे थे और इन लोगों ने जो सुनील प्रधान है और उसका भाई जो मोटा उर्फ योगेश है, इनने योजना बना रखी थी कि भाई अगर ये यहाँ से आते हैं तो इनको आज मारना है, क्योंकि इनके जो मुकदमा चल रहा था पहला इसके भाई का आलू का, उसमें 2 आदमी बरी हो गए हैं और 2 की आज इन कारावास की सजा हो गई। उसी रंजिश की प्राण इनकी रंजिश चल रही है गैंग की, और उसी आधार पर इन्होंने अपनी योजना अनुसार जब वो उनके धारोड़ा चुंगी से वो निकल के जा रहे थे तो सुनील प्रधान है उसने फायर किया और वो निकल गए। लेकिन आज इसका जो भाई था ये भोटा और योगेश, इसने और इसके जो और अन्य साथी थे 3-4 और हैं, जिसमें अभी तरुण को पकड़ा है और एक वीरेंद्र और बिंदा को पकड़ा है। सर, इसमें एक बदमाश की मौत भी हुई थी, इनमें जो आरोपी पकड़े गए हैं उनका बैकग्राउंड क्या है? जो भोटा और जो योगेश है उसके खिलाफ 9 मुकदमे दर्ज हैं, आरंभक के, हत्या के, लूट के, मारपीट के, कुछ मुकदमों में वो बरी हो चुका, बाकी विचाराधीन चल रहे हैं। बाकी 2 आरोपियों की बात की जाए, बाकी 2 आरोपी में जो वीरेंद्र और बिंदा है उसके खिलाफ भी 2 मुकदमे दर्ज है। अभी क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? उनको गिरफ्तार कर लिया और उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और गहनता से मुकदमे की पूछताछ की जाएगी।